कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आज सुबह मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में आखिरी सांस ली। 81 साल के एकनाथ गायकवाड़ पिछले काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कल रात से उनको सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। एकनाथ गायकवाड़ का अंतिम संस्कार आज शाम तक कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि एकनाथ गायकवाड़ महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। वो दो बार लोकसभा के सांसद भी रह चुके थे। इसके अलावा उन्होंने धारावी से 3 बार विधानसभा का चुनाव जीता। कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में उठाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल के एक प्रमुख सदस्य के रूप में भी काम किया था। 2017 से 2020 तक वो मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। हाल ही में उनकी बेटी वर्षा गायकवाड़ महाराष्ट्र सरकार में शिक्षा मंत्री भी हैं। एकनाथ गायकवाड़ के निधन से महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने एक न्यूज इंटरव्यू के दौरान बातचीत में कहा कि पिछले 20-25 सालों से युवा नेता उनको अपना आदर्श मानकर चल रहा था। निश्चित रूप से महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने हमेशा एक ऐसा नेता के रूप में काम किया जो सभी को साथ लेकर चलता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समेत हर राज्य में कोरोना वायरस को लेकर स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार लगातार स्थितियों को काबू करने के लिए प्रयास में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।